देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के शिलीगुड़ी शहर के पास बागडोगरा इलाके में तस्करी से पहले बर्माटिक लकड़ी के साथ दो गिरफ्तार। ज्ञात हो कि आज ही के दिन बागडोगरा के गोसाईपुर वन चेक पोस्ट पर वन विभाग द्वारा एक कंटेनर जब्त किया गया था। इसमें तकरीबन 50 लाख रुपए मूल्य की बर्माटिक लकड़ी बरामद की गई थी। इस घटना में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद सहरुद्दीन और मोहम्मद नसीम शामिल है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोग राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लकड़ी की तस्करी असम से दिल्ली की ओर की जा रही थी। इससे पहले बागडोगरा वन विभाग ने लकड़ी से लदे कंटेनर को पकड़ लिया। इस संबंध में बागडोगरा के रेंजर सोनम भूटिया ने कहा, गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह सफलता मिली है। वन विभाग गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर ये पता लगाएगा कि इस चक्र में और कौन शामिल है। ইলিগাল বর্মা টিপ যেটা আমরা বলি টিপ লোডেড আছে, সাথে দুজন লোককে আটক করা হয়েছে। মূলত কত টাকার জিনিসপত্র রয়েছে আন্দাজ করা যাচ্ছে? এটা মেজারমেন্ট করা হয়নি, তাও অটোমেটিক আমরা বলছি পাচ্ছি 50 লাখ টাকার উপরে আছে। এর কি কোনো বৈধ কাগজপত্র রয়েছে? স্যার নাম টাম জানা গেছে তাদের কোথায় কি? আর নাম তো রেকর্ড আছে, বলতে পারছি না, কিন্তু রেকর্ড দেখে বলতে পারবো আপনাদের কি পরে রাখবে। কোথা থেকে উদ্ধার হলো স্যার? এটা এটা উদ্ধার হয়েছে এই যে এশিয়ান হাইওয়ে উপরে, কালকে থেকে আমরা এটার পিছনে ছিলাম। তো জলপাইগুড়ির জলপাইগুড়ি ডিভিশনের একটা টিমও ছিল, ওনারাও কোঅর্ডিনেট করছিলাম। তারপরে পুলিশরাও হেল্প করেছে, তারপরে জিএসটি ডিপার্টমেন্টও হেল্প করেছে।